डाउटनट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये कहता है कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो 4 times हो जाता है जब मेरे पास टेम्परेचर 293 केल्विन से 313 केल्विन पे जा रहा है। अब हमें कैलकुलेट करना है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करनी है सपोज करते हुए कि वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती। ठीक है, तो ये देखो कि मैं कह देती हूँ कि लेट के एट 293 केल्विन बी इक्वल टू के वन। ठीक है, एंड वैसे ही जो के एट 313 केल्विन है उसे मैं कह देती हूँ ये इक्वल टू है के टू के। ठीक है, अब ये क्या है, हमें दिया गया कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रपल्स मतलब 4 times हो जाता है। इट मीन्स कि जो मेरे पास के टू है वो इक्वल टू 4 times के वन है एट 313 केल्विन पर, यानी कि के टू रेशो के वन जो है वो कितना है 4 है। ठीक है, अब हमें आर्नियस इक्वेशन पता है, जो हमारे पास आर्नियस इक्वेशन आती है, आर्नियस इक्वेशन हमें ये कहती है कि लॉग ऑफ के टू बाय के वन इज इक्वल टू ई ए बाय 2.303 आर इंटू टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास टी वन टी टू दोनों स्टेट्स के टेम्परेचर हैं, के टू और के वन रेशो है रेट्स का, और हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना था ई ए। ठीक है, अब के टू बाय के वन कितना है हमारे पास 4, तो इट मीन्स लॉग 4 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 मल्टीप्लाइड बाय आर जिसकी वैल्यू उठती है 8.314 मल्टीप्लाइड बाय, देखो टी टू माइनस टी वन, टी टू क्या था हमारे पास 313, टी वन कितना था 293, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास डिफरेंस आता है 10, और नीचे क्या आएगा दोनों टेम्परेचर्स 313 मल्टीप्लाई बाय 298। ठीक है, अब लॉग 4 कितना होता है मेरे पास, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.606 विच इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 313 इंटू 298। अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज मेरे को पता थी, जस्ट मेरे को क्या नहीं पता थी ई ए, तो मैं ई ए यहाँ से वर्कआउट कर सकती हूँ। राइट, तो ई ए जो मेरे पास यहाँ से आती है वो आती है 52860 जूल्स पर मोल, और किलो जूल्स में देखें अगर तो ये आएगी 52.86 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो हमें ये की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपली आर्नियस इक्वेशन में हमें सभी वैल्यूज पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते थे वैल्यू ऑफ ई ए। ठीक है,